रोड की कंडीशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, और इस रोड पे जो आपको स्पीड लिमिट मिलती है वो मिलती है लगभग 100 की स्पीड लिमिट। तो दोस्तों ये आ गया है हमारी जर्नी का पहला टोल, और अभी हमने कवर किया लगभग 70 किलोमीटर के आसपास। अब तो बिल्कुल एकदम ख़त्म केस ही हो गया है, बिल्कुल रोड की कंडीशन, रोड तो बची नहीं है। जिन भैया से हमने अपनी जीप सफारी बुक करवाई हुई है, तो उन्होंने हमारे को बताया कि रास्ते में एक जगह पर जो है वो टाइगर की साइटिंग हो रही है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एकदम हम रोड पे खड़े हैं इस समय में, और ये रोड के ठीक बराबर में यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं, मैं एक बार जूम करके आपको दिखाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको लेकर के चलूंगा एक रोड जर्नी पे जो कि रहने वाली है दिल्ली टू जिम कॉर्बेट की। तो ये टोटल जो रास्ता है वो है लगभग 300 किलोमीटर का, और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर आप दिल्ली से जिम कॉर्बेट जा रहे हैं बाय रोड तो आपको कौन सा रूट लेना चाहिए, कितने रुपए के उसमें आपको टोल पड़ेंगे, किस तरीके की रोड कंडीशन है और क्या क्या खाने पीने के ऑप्शंस मिल जाते हैं, ये सारा कुछ मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए अपने आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी बज चुके हैं सुबह के 5 और हम निकल चुके हैं अपनी रोड ट्रिप पे। तो दिल्ली से जो हमारे रिजॉर्ट तक का डिस्टेंस है वो है लगभग 278 किलोमीटर, जिसके लिए जो गूगल मैप पे जो टाइम आ रहा है वो आ रहा है लगभग 5 घंटे के आसपास का, लेकिन इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम लगेगा क्योंकि रास्ते में रुकते रुकाते जाएंगे, थोड़ा आपको दिखाएंगे खाने पीने के क्या ऑप्शंस हैं, किस तरीके की रोड कंडीशन है, और जो भी टोल की इन्फॉर्मेशन आती है वो सारा आपको देते हुए चलेंगे। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए। तो दोस्तों अभी बज चुके हैं करीब सुबह के 6 और हमने जो है लगभग 40 किलोमीटर का अपना सफ़र जो है वो पूरा कर लिया। आपने देखा सुबह निकलने का यही फ़ायदा था कि रास्ते में हमारे को ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिला, जिसकी वजह से ये 40 किलोमीटर हमारे लगभग 1 घंटे के अंदर कवर हो गए। अभी इस समय हम चल रहे हैं मेरठ एक्सप्रेस वे पे, और आप देख सकते हैं रोड की कंडीशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, और इस रोड पर जो आपको स्पीड लिमिट मिलती है वो मिलती है लगभग 100 की स्पीड लिमिट। आप आराम से यहाँ पर गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मेक श्योर करें कि थोड़ा ध्यान ध्यान से गाड़ी चलाएं, क्योंकि यहाँ पर कई बार जो है रॉन्ग साइड भी काफ़ी लोग आ जाते हैं, तो थोड़ा सा मेक श्योर करें, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। बाकी इस रोड पे लगभग हमारे को 40-45 किलोमीटर के आसपास अभी और चलना है, उसके बाद फिर हापुड़ की तरफ जो कट आता है उस पर हमें मुड़ना है। बाकी आगे चल के देखते हैं किस तरीके की रोड कंडीशन रहती है, आपको दिखाते हुए चलेंगे, और जो भी टोल की इन्फॉर्मेशन आती है वो फिर आगे चल के आपको बताते हैं। अभी तक कोई भी टोल रास्ते में हमारा नहीं पड़ा है। तो दोस्तों करीब 30 किलोमीटर एक्सप्रेसवे मेरठ एक्सप्रेसवे पे चलने के बाद अब हमारे को लेना है ये लेफ्ट में जो टर्न जा रहा है, यह देख सकते हैं हापुड़ की तरफ जा रहा है। पिछली बारी हम यही वाला टर्न जो है वो मिस कर गए थे, लेकिन इस बारी हम बिल्कुल जो नेविगेशन के थ्रू आ रहा है उसी रास्ते के थ्रू जा रहे हैं। अभी हमने हापुड़ की तरफ ले लिया है टर्न, और अभी जो आई गेस यहीं पर ही हमारा पहला टोल भी आएगा। बाकी अभी देखते हैं क्या टोल के चार्जेस लगते हैं, जैसा भी होता है वो आपको स्क्रीन पर अपडेट करेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं ये जो हापुड़ वाली रोड पे हम चढ़े हैं, रोड की कंडीशन जो है वो काफ़ी बढ़िया रोड कंडीशन है, आपको एकदम साफ़ सुथरी रोड मिलेगी। और अगर आप मुरादाबाद जा रहे हैं तो आप इसी रूट के थ्रू जा सकते हैं, मुरादाबाद हो गया और आगे हल्द्वानी वगैरह इसी रूट के थ्रू आप जा सकते हैं। बाकी अभी हमारे को 7-8 किलोमीटर इसी रोड पर रहना है, बाकी उसके बाद देखते हैं फिर किस तरीके की रोड की कंडीशन रहती है। तो दोस्तों ये आ गया है हमारी जर्नी का पहला टोल, और अभी हमने कवर किया लगभग 70 किलोमीटर के आसपास, और ये पहला टोल आया है। इस टोल प्लाजा का नाम है छजर्सी फी प्लाजा, और इस पर जो चार्जेस लगते हैं वो मेरे हिसाब से शायद 170 रुपये लगते हैं, बाकी जो भी एग्जैक्ट प्राइस होगा वो मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगा। बाकी अभी पहला ही टोल आया, आगे चल के देखते हैं और कितने टोल पड़ते हैं, जैसा भी रहेगा आपको वीडियो में इन्फॉर्म करते हुए चलेंगे।
और दोस्तों इस रूट पे आपको काफ़ी सारे खाने पीने के ऑप्शंस मिल जाएंगे। अभी रास्ते में काफ़ी सारे ढाबे जो आ चुके हैं, जैसे कि शिवा ढाबा हो गया, एक राजा जी ढाबा हो गया, उसके अलावा ओल्ड राव का ढाबा भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अभी हम भी कोई अच्छी सी जगह आइडेंटिफाई करके रुकते हैं और आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर खाना पीना किस तरीके का है। अगर अच्छा लगता है तो फिर आपको भी उसको आपको भी रेकमेंड करेंगे, आप भी चाहें तो आप उस वाले पे रुक सकते हैं। बाकी अभी आगे चल के देखते हैं, कोई बढ़िया आता है तो उस पर रुकते हैं। तो दोस्तों अभी बच चुके हैं करीब सुबह के 7 और हम रुक गए हैं अपने पहले स्ट्रेचिंग ब्रेक के लिए। जो जगह आप ये देख रहे हैं ये है शिवा ढाबा के नाम से, काफ़ी अच्छी सी लोकेशन है, आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया बना हुआ है ये। बाकी अभी हमने यहाँ पर ऑर्डर किया है, एक पराठा ऑर्डर किया और साथ में चाय वगैरह ऑर्डर करी है। अभी देखते हैं किस तरीके का रहता है और अच्छा रहता है तो आपको भी डेफिनेटली रेकमेंड करेंगे यहाँ पर रुकने के लिए। बाकी अभी मैं आपको बाहर चल के दिखाता हूँ, काफ़ी बड़ा यहाँ पे पार्किंग स्पेस है और काफ़ी सारे आउटलेट्स हैं यहाँ पे। अभी बाहर चल के आपको दिखाता हूँ कि बाहर से भी कैसा दिखता है। तो दोस्तों फाइनली हमारा ब्रेकफास्ट जो है वो हो गया है। जैसा कि आपने देखा मैंने यहाँ पर मंगवाया था आलू प्याज पराठा और उसके साथ में हमने चाय मंगवाई थी, तो दोनों ही जो चीज़ें थी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थी, काफ़ी अच्छा स्वाद था उसका। और उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो है काफ़ी सारे पीछे आउटलेट्स दिख रहे होंगे, आपको काफ़ी सारे आउटलेट्स मिल जाएंगे। अगर आप कुछ थोड़ा बहुत कुछ स्नैक्स वगैरह लेना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। बाकी ऑल इन ऑल काफ़ी अच्छा ढाबा मुझे लगा है शिवा ढाबा, पीछे देख सकते हैं, और काफ़ी साफ़ सुथरा है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर आप इस रूट पर हैं तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं, यहाँ पर आपको नीट एंड क्लीन वॉशरूम्स भी मिल जाएंगे। बाकी अब यहाँ से जो हमारी जर्नी रह गई है वो लगभग 180 किलोमीटर की रह गई है, जिसके लिए करीब 3-3.25 घंटे के आसपास का टाइम जो है वो लगना चाहिए। बाकी आगे चल के दिखाते हैं आपको किस तरीके का रूट रहता है। अभी तक जो टोटल टोल आए हैं वो आए हैं, एक टोल आया जिसका चार्जेस 170 रुपये लगे हैं। अभी आगे चल के देखते हैं और कितने टोल आते हैं, जैसा भी होता है आपको वीडियो में अपडेट करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं अभी हम चल रहे हैं NH9 पे, और NH9 पे अप्रॉक्सीमेटली आपको करीब 70 किलोमीटर के आसपास जो है वो चलना होता है। थ्रू आउट आपको जो रोड मिलेगी वो इसी तरीके की बढ़िया सी रोड मिलेगी, 6 लेन सड़क है, काफ़ी अच्छी सड़क है और बिल्कुल भी कहीं पे कोई गड्ढे वगैरह नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर आपको रास्ते भर में काफ़ी सारे ढाबे के ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन जैसा कि अभी आपने देखा मैं रुका था शिवा ढाबा पर और मैं आपको रेकमेंड करता हूँ, वहाँ का खाना जो था बहुत बढ़िया था। अगर आप भी इस रूट पर नैनीताल जा रहे हैं, जिम कॉर्बेट जा रहे हैं, तो आप वहाँ पर रुक सकते हैं। बाकी रोड की कंडीशन आप देख ही सकते हैं, बहुत ही बढ़िया रोड कंडीशन मिलेगी। अभी तक एक ही टोल आया है, अभी कोई और टोल आया नहीं है, आगे चल के देखते हैं कोई और टोल आता है तो जैसा भी होता है आपको अपडेट करते हैं। तो दोस्तों ये आ गया है हमारी जर्नी का दूसरा टोल प्लाजा, और इस टोल पर जो चार्जेस लगते हैं जैसा कि मैंने अभी बोर्ड पर देखा है वो लगते हैं 115 रुपये। बाकी अभी तक ये दूसरा टोल आया है, इसका नाम जो है वो है ब्रिज घाट टोल प्लाजा। अभी हम गढ़ मुक्तेश्वर के आसपास चल रहे हैं, लगभग जो है यहाँ से जो डिस्टेंस रहता है हमारे रिजॉर्ट तक का वो लगभग 156 किलोमीटर के आसपास बचा है, जिसके लिए 3 घंटे और लगेंगे। बाकी आगे चल के देखते हैं किस तरीके की रोड रहती है, जैसा भी होगा आपको अपडेट करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं गजरौला के पास, और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रोड की कंडीशन है वो थोड़ी सी ख़राब है, और उसके अलावा आप देख सकते हैं गड्ढे वगैरह भी काफ़ी हैं, और सबसे मेन बात है यहाँ पर आपको रॉन्ग साइड भी काफ़ी लोग आते हुए मिलेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पीड जो है वो अच्छी मेनटेन नहीं हो पा रही है, ज़्यादा स्पीड नहीं मेनटेन कर पाएंगे। बाकी थोड़ा सा स्ट्रेच है, ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत लंबी सड़क नहीं है ऐसी ख़राब वाली। तो दोस्तों जो सेकंड टोल था वहाँ से करीब 30 किलोमीटर चलने के बाद अब आ गया है हमारी जर्नी का ये तीसरा टोल प्लाज़ा, और इस टोल प्लाज़ा का नाम है जोया टोल प्लाज़ा। और यहाँ पर जो आपके चार्जेस लगेंगे वो लगेंगे 70 रुपीज़। बाकी अभी तक जो है 3 टोल आ गए हैं, और यहाँ से करीब 123 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो अभी भी बचा है। बाकी देखते हैं आगे की जर्नी में और कितने टोल पड़ते हैं।
दोस्तों अभी बजे हैं करीब 9 और अभी जो यहाँ से हमारे रिजॉर्ट की दूरी रह गई है वो लगभग 90 किलोमीटर के आसपास रह गई है। अभी हम एंटर कर चुके हैं, जो जो रोड आप देख रहे हैं ये है मुरादाबाद बरेली एक्सप्रेसवे। 4 लेन सड़क है, इससे पहले 6 लेन सड़क चल रही थी, अब जो है 4 लेन चल रही है। बाकी रोड की कंडीशन बहुत बढ़िया है। यहाँ पे जो स्पीड लिमिट है वो 80 की स्पीड लिमिट है। बाकी इस समय में थोड़े ट्रक्स वगैरह ज़्यादा हैं जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा स्पीड अच्छी मेंटेन नहीं हो पा रही है। बाकी रोड की अगर कंडीशन की बात करें तो रोड की कंडीशन बहुत बढ़िया है। अभी यहाँ से करीब 11 किलोमीटर के बाद हमारे को लेफ्ट टर्न लेना है जो कि NH 734 है। बाकी वहाँ जाकर के देखते हैं किस तरीके की रोड की कंडीशन रहती है और जैसी भी होगी आपको अपडेट करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों अभी करीब हम कवर कर चुके हैं 205 किलोमीटर के आसपास और अब हमने एक्सप्रेसवे से जो है वो NH 734 पे जो है लेफ्ट ले लिया है। और अब आप देख सकते हैं, अब जो रोड की कंडीशन है, अब रोड की कंडीशन ख़राब एक्चुअल में आनी शुरू हुई है। काफ़ी पैची रोड है, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा टूटी हुई रोड है और ट्रैफिक भी है, और उसके अलावा यहाँ पर आप अच्छी स्पीड तो मेंटेन नहीं कर पाएंगे। बाकी क्योंकि अब हमने थोड़ा एक्सप्रेसवे से एग्जिट ले लिया तो अब लगता है शायद और कोई टोल ना आए, अभी तक 3 टोल आए हैं। बाकी अगर कोई और टोल आता है तो आपको अपडेट करेंगे और रोड की कंडीशन जैसी भी रहती है वो आपको दिखाते हुए चलते हैं कि आगे रोड की कंडीशन कैसे मिलेगी आपको। तो दोस्तों अभी मैंने आपको पीछे दिखाया था कि रोड की कंडीशन जो है वो ख़राब होनी स्टार्ट हो गई थी, उसके बाद अभी हमने करीब कुछ 4-5 किलोमीटर ही कवर करे और अब आप देख सकते हैं अब तो बिल्कुल एकदम ख़त्म केस ही हो गया है। बिल्कुल रोड की कंडीशन, रोड तो बची नहीं है, एक काइंड ऑफ ऑफ रोड ही है जिस पे गाड़ी चल रही है। और अभी इस पे करीब करीब हमारे को मेरे हिसाब से 3-4 किलोमीटर और चलना है, उसके बाद दिखा रहा है कि राइट लेना है, हो सकता है आगे जाकर के कुछ रोड की कंडीशन सुधर जाए। बाकी अभी तो बहुत ही ज़्यादा रोड की ख़राब रोड की कंडीशन है, बिल्कुल यहाँ पर आप स्पीड वगैरह मेंटेन नहीं कर सकते। आप बस ये है कि अपनी गाड़ी की अलाइनमेंट बचा ले, वही बड़ी बात है। तो दोस्तों अभी करीब सुबह के 10 बजने वाले हैं और यहाँ से जो हमारा डिस्टेंस रह गया है रिजॉर्ट तक का वो है लगभग 55 किलोमीटर का, जिसके लिए करीब 1 घंटे का समय दिखा रहा है। अभी जो आप ये जगह देख रहे हैं ये रामपुर का कोई टांडा विलेज आया है, जिसमें आप देख सकते हैं दोनों तरफ ये मार्केट का एरिया है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है इस एरिया में और स्पीड तो बिल्कुल भी मेनटेन हो ही नहीं पा रही है यहाँ पर। बाकी अभी देखते हैं कितनी दूर तक हमें मार्केट वाले एरिया से ही क्रॉस करना है और उसके बाद आगे चल के देखते हैं कि किस तरीके की रोड रहती है। बाकी होपफुली ज़्यादा लंबा स्ट्रेच ना हो, क्योंकि यहाँ पे इस एरिया को भी पार करने के लिए करीब करीब हमारे को 15 मिनट जो है वो लग चुके हैं। बाकी आगे चल के देखते हैं किस तरीके की रोड कंडीशन रहती है। दोस्तों आप देख सकते हैं अब हम फाइनली एंटर कर चुके हैं जिम कॉर्बेट वाले एरिया में। आप देख सकते हैं बीच में से रोड जा रही है, दोनों तरफ ये जंगल का एरिया है, कितनी खूबसूरत ये रोड लग रही है। और यहाँ पर गाड़ी चलाने का जो मज़ा है ना वो अलग ही लेवल का मज़ा है। मौसम भी जो है वो बहुत ही बढ़िया हो गया। बाकी यहाँ से जो हमारे रिजॉर्ट की दूरी रह गई वो लगभग 12 किलोमीटर के आसपास रह गई है, जिसके लिए 15 मिनट का समय जो है वो और लगेगा। बाकी ओवरऑल यहाँ पर अगर आप आते हैं तो गाड़ी चलाने में आपको इस रोड पर तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं रिजॉर्ट हम जा रहे थे और रास्ते में जिन भैया से हमने अपनी जीप सफारी बुक करवाई हुई है तो उन्होंने हमारे को बताया कि रास्ते में एक जगह पर जो है वो टाइगर की साइटिंग हो रही है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एकदम हम रोड पे खड़े हैं इस समय में और ये रोड के ठीक बराबर में यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं, मैं एक बार जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये पीछे आप देखिए यहाँ पर जो है टाइगर, अभी यहाँ पर पता चला है कि इसने अभी किल किया है और अभी खा पी के मस्त यहाँ पर बैठा हुआ है। भैया कितनी देर से बैठा है यहाँ पर ये? इसे लगभग 3-4 घंटे हो गए। तो भैया बता रहे 3-4 घंटे लगभग हो चुके हैं इसको यहाँ पर बैठे हुए। तो वैसे तो आप देख सकते अभी तो हमारी, हमने अभी सफारी करी भी नहीं है और उससे पहले हमारे को टाइगर जो है जिम कॉर्बेट में नजर आ गया है।
तो दोस्तों अभी बज चुके हैं दोपहर के 12 और हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपने रिजॉर्ट में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं रिजॉर्ट से कितने खूबसूरत नज़ारे आ रहे हैं। बाकी हमने जो जर्नी अपनी स्टार्ट करी थी वो सुबह 5 बजे स्टार्ट करी थी और लगभग हमारे को 7 घंटे का समय लग गया। वैसे रास्ता जो था वो तो लगभग 5 घंटे का ही था, लेकिन हम रास्ते में रुकते रुकाते आए और एक जगह पर जहाँ पर आपने देखा हम रुक गए थे, क्योंकि जो हमारे गाइड भैया हैं जिससे हमने सफारी बुक कराई है, उन्होंने हमारे को कॉल किया कि एक जगह पे टाइगर की साइटिंग हो रही है। तो वहाँ पर हम आधे पौने घंटा लगातार रुके रहे क्योंकि हमारे को वहाँ से टाइगर नज़र आ रहा था। आपको भी हमने वीडियो में दिखाया ही है जो टाइगर वहाँ पर बैठा हुआ था। तो बाकी ओवरऑल जो रास्ता था वो रास्ता अच्छा है, ओवरऑल जो रास्ता साफ सुथरा था, लेकिन बीच में कुछ थोड़ा सा पैच ऐसा आता है जिसके अंदर जो रास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब आपको मिलेगा। करीब 8-10 किलोमीटर का पैच ऐसा है जिसके अंदर रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। बाकी अगर हम टोल की बात करें तो रास्ते में 3 टोल पड़े हैं जिसके अंदर जो चार्जेस हैं वो आप स्क्रीन पे मैं आपको दिखा दूंगा, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल जो जर्नी थी वो हमारी स्मूथ रही है, खाने पीने के काफ़ी ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस थे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके इस वीडियो से जुड़े हुए कोई भी सवाल हैं तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरीके की और भी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। तो मैं मिलता हूं बहुत जल्दी आपसे किसी नेक्स्ट बढ़िया से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।